प्रति आभार व्यक्त करता हूं और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो उन्होंने आज इस बौद्धिक गोष्ठी में मुझे भाग लेने का अवसर दिया। मैं माननीय श्री गोलोक बिहारी जी, श्री इंद्रेश कुमार जी और श्री शेषाद्रिचारी जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था और सुनकर काफी लाभान्वित हुआ। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ जो आज की गोष्ठी में मुझे भाग लेने का आप लोगों ने मौका दिया। मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि अभी मैं शेषाद्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था जो वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वह भारत के साथ उनका क्या जुड़ाव है। मैं नेताजी के उस प्रकरण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ जो उन्होंने आर्य जर्नल में पढ़ा था। आप सब जानते होंगे आर्य जर्नल की जो प्रकाशन शुरू हुई थी और नेताजी कटक में थे उस समय में उन्होंने उनसे जो शिक्षा ग्रहण किया था, इसे आप विवेकानंद जी के बाद की पीढ़ी के बारे में कह सकते हैं, उससे वे काफी प्रभावित हुए थे। एक चीज जो अभी इतिहास के प्रति जो अवधारणा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो नेताजी ने एक टीचर जो कलकत्ता में जब वो पढ़ रहे थे ईएफ वेटन को मारा था, उनके प्रति उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं आपको आपके मंच के माध्यम से मैं इस इतिहास को फिर से शुद्ध करने के प्रति ध्यान आकृष्ट करते हुए कहता हूँ, जिस दिन वेटन के साथ दुर्व्यवहार हुआ था नेताजी दूर से इन प्रकरण को देख रहे थे लेकिन उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। अलग बात है जो नेताजी को कॉलेज का सबसे परेशान करने वाला छात्र घोषित करते हुए उन्हें डिसमिस कर दिया गया था और उन्होंने इसका विरोध किया था, जो मैंने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है फिर भी मुझे कॉलेज से निष्कासित किया गया है, और वो फिर वापस कटक चले गए थे। लेकिन जब आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता आते हैं और फिर से इनका उनके शरद चंद्र जो भाई थे उनके सहयोग से स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनका एडमिशन होता है। मेरा ये अभी तक इतिहासकारों ने शुद्ध करने की कोशिश नहीं किया जो नेताजी ने ओएफ वेटन के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था फिर भी उन्हें उस कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। उस बाल जो किशोरावस्था थी नेताजी की, उनके मन में इस पूरे ब्रिटिश शासन के प्रति इतना इतना गहरा भाव जम गया था जो उसकी चर्चा आप सुनेंगे जब नेताजी पुनः स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भाग लिए हैं तो इंडियन डिफेंस फोर्स में उन्होंने अपना योगदान दिया है। उसमें में एक टेरिटोरियल आर्मी करके उसका गठन किया गया था और नेताजी के जो भावना है जब वो फोर्ट विलियम में घुसते ब्रिटिश हेडक्वार्टर हुआ करता था कलकत्ता में, तो नेताजी ने एक जगह लिखा है जो इससे पहले भारतीयों को फोर्ट विलियम के दरवाजे के अंदर में घुसने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंडियन डिफेंस फोर्स का चोला पहना, उसके यूनिफॉर्म धारण किया तो पहला मार्च उनका हुआ था फोर्ट विलियम के भीतर में, जहां से उन्होंने अपने कंधे पर राइफल रखनी थी। तो उनके मन में जो एक भाव आया था जो एक डिफेंस का पर्सनल के लिए कैसे सभी दरवाजे खुलते हैं, यहीं से उनके मन में एक सेना के गठन की बात घर कर गई थी। और जैसा कि हम आप सब जानते हैं जो नेताजी के जो अंतिम जो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था या पूरे विश्व को उन्होंने एकीकृत करने की कोशिश किया था वो आजाद हिंद फौज के कारण से हुआ था। मैं दूसरे बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। जब नेताजी इंग्लैंड गए वहां पर उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दिया, वो क्वालिफाई कह गए, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके वो जुलाई 16, 1921 ईस्वी में बॉम्बे आते हैं और बॉम्बे आकर के सबसे पहले वो गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी से उन्होंने पूछा उनके अपने वार्तालाप में जो लेब्रम रोड में उस समय में गांधी जी वहां रुके हुए थे, उन्होंने पूछा जो ये आप जो दो तीन चीज कहते हैं ये हमको स्पष्ट कीजिए। नंबर वन, आप कांग्रेस का अभियान तो शुरू होता है लेकिन अंत होता है वो पब्लिक अवेयरनेस पर में। आप कहते हैं जो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस से हम इस सरकार को गिरा देंगे, इस सरकार को वापस कर देंगे, इंग्लैंड भेज देंगे। आप कहते हैं सिविल डिसोबिडिएंट फोर्स के मार्फत से हम कर देंगे, और आप ये भी कहते हैं जो एक साल के भीतर स्वराज आ जाएगा। तो क्या स्वराज आपके सिविल डिसोबिडिएंट से आएगा, क्या अहिंसा के स्वराज आ जाएगा? गांधी जी ने उनकी पूरी बातों को बड़े ध्यान से सुना और गांधी जी ने कहा जो आप यहां से जाइए और कलकत्ता में सीआर दास से मिलिए। ये एक
चंद्र बोस के जीवन का जो आप तो इस चीज को समझेंगे, जो 1921 में जब वो गांधी जी से मिले हैं, उनके बाद उनकी दूसरी मुलाकात 1940 के जून में हुई है। इतने अंतराल में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के साथ कभी वार्तालाप नहीं किया है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उसी दिन गांधी को बता दिया था, जो ये देश यदि आजाद होगा तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से नहीं आजाद होगा, इस देश को आजाद करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा, हमें अपने संगठन बनानी पड़ेगी, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। और ये पूरी ताकत कांग्रेस में अभी भी नहीं दिख रही है। उन्होंने गांधी से कहा था जो आप एक विंग क्रिएट करिए जो कि यहाँ के डिफेंस के लिए होगा, पूरे भारत की रक्षा करने के लिए एक विंग होगा। अभी तक कांग्रेस में ये चीज नहीं हुई है। 1931 में जब हिजली डिटेंशन कैंप में गोलीबारी हुई थी तो नेताजी ने उसका विरोध किया था और कांग्रेस के साथ उनकी अनबन शुरू हो गई थी। फिर हम उसके बाद नेताजी का जो प्रकरण पढ़ते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, वो फिर से उनको गांधी जी के कहने पर पट्टा भी सीतारामैया से वो होता है। फिर सुभाष चंद्र बोस इनको रिजाइन करते हैं और रिजाइन करने के बाद फिर वापस यहाँ पर एक चीज जो स्पष्ट करने की जरूरत है कि सुभाष चंद्र बोस जब भारत छोड़े हैं तब उन्होंने किसी की सहायता की चिंता नहीं किया था, उन्होंने किसी संगठन की चिंता नहीं किया था, उन्होंने पैसा जमा नहीं किया था, उन्होंने ऐसा कोई प्रकरण नहीं यहाँ पर भारत में शुरू किया था जिसके सहारे वो विदेश में जाकर के भारत को आजाद करने के लिए एक्टिविटीज कर सकें। और ये सबसे एक कठिन और सबसे एक कारुणिक दृश्य होता है जब वो सबसे पहले 12 लोगों को डिफेंस के लिए ट्रेनिंग के लिए जब वो भेजते हैं नेताजी, तो उन्होंने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और एक अलग प्रकरण है, यदि नेताजी के पास में पैसे होते, यदि नेताजी के पास में भारतीयों द्वारा या तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं द्वारा उन्हें आर्थिक मदद दी हुई होती तो जनरल तोजो से उनको सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। और ये फिर पूरे नेताजी के प्रकरण का और आजादी फौज का दूसरा स्वरूप होता। हम एक और ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था तो नेताजी ने 6 महीना पहले ही भारतीय नेताओं से स्पष्ट आग्रह किया था जो विश्व में जो परिघटना हो रही है उससे ये ऐसा लगता है जो अगले 6 महीने के अंदर में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग इसकी तैयारी करिए। और यही माकूल समय है जब हम अंग्रेजी सरकार को नेस्तनाबूद कर भारत में आजादी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस समय में नेताजी की बातों पर में किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। और फिर उसी प्रकरण को हम दोहराते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और जब वो वेबेल आते हैं, और वेबेल ने गांधी को, लॉर्ड वेबेल ने जो ब्रिटिश वायसराय थे, वायसराय ने गांधी को कहा जो हम आपके साथ समझौता करना चाहते हैं, और गांधी ने इसको ठुकरा दिया। गांधी ने कहा जो हम नहीं इस समझौता में भाग लेंगे, जो उन्होंने कांग्रेस को इसे ट्रांसफर कर दिया। और कांग्रेस ने कहा इसे जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और आप सब जानते हैं जून-जुलाई 1945 में शिमला समझौता के लिए एक लंबी मैराथन मीटिंग हुई थी। लेकिन 18 जून 1945 को नेताजी बैंकॉक से सिंगापुर आ गए थे और उन्होंने रेडियो प्रसारण करके पूरी बात कहा था, जो अभी भारत के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को वेबेल की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वेबेल आपको डोमेस्टिक डिस्प्यूट में कांग्रेस के पूरी पॉलिटिक्स को उलझा रहा है, वो पूरे विश्व में ये कहने जा रहा है जो ये भारत की आजादी का मामला भारत के अंदर का मामला है, लेकिन वस्तुतः ये भारत के पूरे विश्व का मामला है, आप यदि वेबेल के बातों में आ जाएंगे तो आपकी आजादी और दूर चली जाएगी। और नेताजी बहुत खुश हुए जब उन्हें ये पता चला कि शिमला समझौता विफल हो गया है। लेकिन जब जापान ने सरेंडर कर दिया, या फिर जो उस समय में जो माउंटबेटन थे, उन्होंने जो सभी युद्ध की सभी चीजों को छोड़ करके उन्होंने एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद नेताजी की स्थिति कमजोर होती चली गई थी और बाकी जो चीजें हैं वो इतिहास में दर्ज हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, जो तत्कालीन राजनीति के छोटी सी गलतियों के कारण देश की आजादी, देश की अस्मिता, देश की क्षमता खतरे में पड़ जाती है। हमें अपने लीडरशिप को इस तरह मजबूत बनाना चाहिए, नीतिगत रूप से उनके स्किल को डेवलप करनी चाहिए ताकि वो भविष्य की चुनौतियों को स्पष्ट रूप से देख सकें,
और उसके आधार पर अपने अपनी योजनाएं बना सकें। नेताजी के एक प्रकरण को कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो इन्होंने जो डिपार्टमेंट बनाए थे उसमें मैं आजाद हिंद फौज और जितने भी हेडक्वार्टर्स थे उसमें उन्होंने हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर का एक अलग विंग बनाया था, वुमेन अफेयर्स का एक अलग विंग बनाया था। कई लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, जो जो आजाद हिंद फौज थी जो उनका वुमेन अफेयर्स उसमें में वो वुमेन के लिए क्या कल्याण करते। रिकंस्ट्रक्शन का इनका अलग विंग था, नेशनल एजुकेशन एंड कल्चर का भी एक अलग विंग था, सप्लाई का अलग था, ओवरसीज का अलग था, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट का अलग विंग था। और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाया गया था। तो नेताजी का जो इस देश को रिकंस्ट्रक्ट करने का जो अपनी एक योजना थी, चाहे वो एजुकेशन के मार्फत हो, हेल्थ के मार्फत हो या डिफेंस के मार्फत हो, वो बहुत ही आज के तिथि में बहुत ही काबिले गौर है। उस पर लोगों को विचार करनी चाहिए जो नेताजी क्या करना चाहते थे इस देश को, इस देश के स्वतंत्रता के लिए या इस देश को और समृद्ध बनाने के लिए। हम आज की तिथि में नेताजी को इतना ही पर ला करके छोड़ देते हैं जो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया या आजाद हिंद फौज की स्थापना की, लेकिन नेताजी इस देश के उन्नति के लिए उनके मन में क्या विचार थे, इस पर भी आज की पीढ़ी को गौर करने की जरूरत है। आपने मुझे समय दिया, हम आपके प्रति फिर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।